नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल पावर प्लांट में ऐश हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो इंडियन कोल है उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, नियरली 40-50% ऐश कंटेंट होता है इंडियन कोल में, और 200 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है, तो उसमें से हर साल करीब 60,000 टन ऐश निकलता है। इस ऐश को अगर कहीं पर इकट्ठा किया जाए तो ये 1.5 मीटर की हाइट में 4 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करेगा। तो इस ऐश को पावर प्लांट से कुछ दूरी पर डंप किया जाता है, क्योंकि ये ऐश कंटेंट जो निकलता है ये डस्टी होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के को पॉल्यूट करते हैं, और ह्यूमंस या जो एनिमल्स है, प्लांट लाइफ है, इनके लिए भी ये हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं। देन जब ये फर्नेस से बाहर निकलती है तो हॉट होती है, गर्म होती है ऐश, और इसके बाद अलावा जब इसको वाटर में मिक्स अगर कर दिया जाए तो ये पॉइजनस गैसेस और कोरोसिव एसिड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए इस ऐश की हैंडलिंग ज़रूरी है, और इस क्योंकि ये गर्म होती है तो इसको हैंडलिंग से पहले इसकी क्वेंचिंग की जाती है, यानी कि इसको ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के पीछे भी कारण है कि ठंडा करने से इसका एक तो कोरोजन एक्शन कम हो जाता है, जो जंग वाला प्रभाव है वो इसमें कम हो जाएगा। देन इसमें से जो इस डस्ट पार्टिकल्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और क्लिंकर फॉर्मेशन यानी जो गरम गरम राख जो होती है बड़ी बड़ी रॉक्स की फॉर्मेशन में जो एक क्लिंकर्स फॉर्मेशन हो जाता है वो भी इसमें कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी हैंडलिंग से पहले इसको क्वेंचिंग की जाती है। तो एक अच्छा ऐश हैंडलिंग प्लांट हम उसको कहेंगे जिसमें जिसकी इनफ कैपेसिटी हो, जो कि अच्छा केपेबल हो अलग वॉल्यूम ऑफ ऐश को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए। देन लार्ज क्लिंकर्स हैं, बॉयलर रिफ्यूज है, सूट है, डस्ट है, फ्लाई ऐश है, ऐसे कुछ भी जो कंटेंट्स ऐश के साथ में निकलने वाले जो कंटेंट्स हैं उनको भी ये हैंडल कर सके। देन हॉट और वेट ऐश, सभी तरह की ऐश को ये हैंडल कर सके, ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, ऑपरेशन चार्जेस इसमें कम से कम हो, और इसमें जो ऑपरेशन होगा उसमें किसी भी तरह का नॉइसलेस ऑपरेशन रहे, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं हो, पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाला हो, और वेरिएबल लोड के लिए एफिशिएंट हो। तो एक अच्छे ऐश हैंडलिंग प्लांट में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो मेनली आज के जो हम कहें कि मॉडर्न ऐश हैंडलिंग सिस्टम्स हैं वो चार तरह के हैं। पहला मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम, दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम, तीसरा है न्यूमैटिक सिस्टम, और चौथा स्टीम जेट सिस्टम। वन बाय वन सारे ही ऐश हैंडलिंग सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम। ये मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम का फिगर दिखाई दे रहा है। इसमें सिंपली एक वाटर ट्रफ है, या कहें कन्वेयर बेल्ट है, जो कि जैसा हमने पिछले कोल हैंडलिंग में देखा था कन्वेयर बेल्ट, उस तरह का कन्वेयर बेल्ट है। एक ऐश बंकर है और एक ट्रक है। तो सिंपली यहाँ पर लो कैपेसिटी प्लांट्स के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं, और ऐश जो है वो वाटर सील के साथ, यानी चारों तरफ इसके ऊपर वाटर का स्प्रे करके या वाटर के साथ मिक्स करके इसको बेल्ट कन्वेयर के ऊपर कैरी किया जाता है, और यहाँ से ये वाटर मिक्स्ड ऐश जो कि ठंडी हो चुकी होती है वाटर में मिक्स होकर, इसको इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऐश बंकर्स में खाली कर दिया जाता है। इन ऐश बंकर्स से जो ट्रक्स हैं उनमें ऐश डाली जाती हैं, और यहाँ से इसको ट्रक्स के थ्रू डंपिंग साइट के ऊपर ले जाकर खाली कर दिया जाता है। तो इसकी जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि एक तो इसका इस सिस्टम का जो लाइफ है वो 5-10 ईयर्स इसकी लाइफ है, और 5 टन्स पर आवर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, एंड पावर कंजम्पशन इसमें बहुत कम है। देन सेकेंड सिस्टम आता है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हाई वेलोसिटी वाटर के साथ में ऐश को कैरी किया जाता है एक चैनल के ऊपर, और फाइनली उसको सम्प के अंदर डंप कर दिया जाता है।
मेनली दो तरह के हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम। ये जो फिगर दिख रहा है पहला, ये लो प्रेशर सिस्टम का फिगर है। इसमें वाटर ट्रफ्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर वाटर फ्लो होगा, देन इन वाटर ट्रफ्स के ऊपर बॉयलर्स है, तो बॉयलर्स में से फर्नेस में से डायरेक्टली ऐश जो है इन ट्रफ्स के ऊपर गिरती है और यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है। तो हाई वेलोसिटी वाटर के साथ में ये ऐश मिक्स हो जाती है और आगे ये ऐश सम्प में जाके इकट्ठी हो जाती है। तो ऐश जो है वो डायरेक्टली ही वाटर के साथ कैरी करके सम्प में इकट्ठी हो रही है। यहाँ दो ऐश सम्प्स दिखाए गए हैं, दो ट्रफ्स अलग अलग दिखाए गए हैं। तो इनका एक ही एडवांटेज है कि एट अ टाइम जो एक सम्प है वो अगर भर जाता है तो किसी भी वाटर ट्रफ को हम दूसरे ऐश सम्प के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर पहला वाला केस देखा जाए, पहली लाइन, तो इसी लाइन को हम दूसरे ऐश सम्प में भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों जो लाइन्स है इस ऐश सम्प में कलेक्ट की जा सकती है। तो एट अ टाइम एक ऐश सम्प अगर उसको खाली किया जा रहा है, उसकी अनलोडिंग की जा रही है, इन दैट केस तो भी जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा। इसमें ऐश कैरिंग कैपेसिटी 50 टन्स पर आवर होती है और तकरीबन 500 मीटर लंबाई का ये सिस्टम होता है। देन इसमें दूसरा सिस्टम है हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम में ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नोजल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मेनली यहाँ पर दो तरह से नोजल्स लगाए जाते हैं, कुछ टॉप नोजल्स होते हैं और कुछ साइड में लगे हुए नोजल्स होते हैं। तो ये साइड नोजल्स दिख रहे हैं, ये टॉप नोजल दिख रहा है। तो बॉयलर्स के नीचे जो हॉपर होते हैं उनमें ये नोजल्स फिट किए जाते हैं। जो टॉप नोजल होता है उसका काम ऐश की क्वेंचिंग करना होता है, यानी उसको ठंडा करने का काम करता है, और साइड के जो नोजल्स होते हैं वो ऐश को ड्राइविंग फोर्स देते हैं। और इस तरह से ये ऐश जो है ठंडी ऐश ये नीचे ट्रफ में कैरी हो जाती है वाटर के साथ में, और मेन सम्प में यहाँ इसको खाली कर दिया जाता है। इसकी कैपेसिटी 120 टन्स पर आवर है और डिस्टेंस कवर्ड इज 1000 मीटर्स। इसके एडवांटेजेस देखें तो क्लीन है, हेल्दी हैं, और इसमें मोल्टन ऐश को भी हैंडल किया जा सकता है। वर्किंग पार्ट्स जो इसके हैं वो ऐश के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तो कोरोजन एरोजन इनकी संभावना नहीं रहती। डस्टलेस ऑपरेशन है और ऐश कैरिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड सिस्टम है न्यूमैटिक सिस्टम। ये एब्रेसिव ऐश और फाइन डस्ट मटेरियल्स जैसे फ्लाई ऐश है, सूट है, इनके लिए इसको डेवलप किया गया है। इसमें जो मेनली यहाँ पर दो बॉयलर्स दिख रहे हैं, बॉयलर्स के आगे क्रशर रखे हुए लगे हुए हैं, तो जो ऐश के बड़े पार्टिकल्स हैं वो इस क्रशर में क्रश होके फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। यहाँ इसके डिलीवरी एंड पर एक एग्जॉस्टर लगा हुआ दिख रहा है। ये एग्जॉस्टर आईडी फैन हो सकता है, वाटर एग्जॉस्टर हो सकता है, या स्टीम एग्जॉस्टर भी हो सकता है। तो इस केस पे हम इसको एयर एग्जॉस्टर या आईडी फैन एग्जॉस्टर मान रहे हैं। इस एग्जॉस्टर के द्वारा एक हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम जो है वो क्रिएट की जाती है, जो कि ऐश और डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ से क्रशर में से आने वाले ऐश और डस्ट पार्टिकल्स को कैरी करती है। तो ये हाई एयर मिक्स्ड, जहाँ ये लिखा हुआ एयर एंड ऐश पाइप, इस पाइप में से एयर मिक्स्ड ऐश जो है ये प्राइमरी ऐश सेपरेटर के अंदर जाती है। यहाँ पर साइक्लोनिक इफ़ेक्ट से, साइक्लोन प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाता है, साइक्लोनिक इफ़ेक्ट इसमें डाला जाता है, जिससे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ऐश के वो नीचे ऐश हॉपर में कलेक्ट हो जाते हैं और लाइटर एयर जो है वो आगे बढ़ जाती है। ये फिर सेकेंडरी एयर सेपरेटर में आती हैं, यहाँ फिर उसकी और साइक्लोनिक इफ़ेक्ट से उसका और क्लीनिंग हो जाती है और क्लीन एयर जो है वो फिल्टर्स के थ्रू एग्जॉस्टर में चली जाती है। तो इस तरह से ऐश जो है वो हैवी पार्टिकल्स होने की वजह से ऐश हॉपर में कलेक्ट हो जाते हैं, जिनको ट्रक्स के थ्रू कैरी करके डंपिंग स्टेशन पर खाली कर दिया जाता है। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 5-30 टन्स पर आवर होती हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें किसी भी तरह का स्पिलेज नहीं होता, रीहैंडलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि एयर ड्राई होती है तो इसका स्टोरेज बिन में स्टिक होने के ये सारे चांसेस कम रहते हैं। डस्टलेस ऑपरेशन है और प्लांट की जो कॉस्ट है वो भी कम होती है।
डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें पाइप में वेयरिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होते हैं और ये एक नॉइजी ऑपरेशन भी है। फोर्थ जो इसमें एश हैंडलिंग सिस्टम है वो है स्टीम जेट सिस्टम। इसमें एक हाई प्रेशर स्टीम का जेट जो है वो एश की डायरेक्शन में पास किया जाता है और यूजुअली ये स्टीम जो है वो बॉयलर में जनरेटेड स्टीम ही होती है, तो अलग से कोई स्टीम को की जनरेशन की ऑक्सिलरी हमें नहीं लगानी पड़ती। बॉयलर स्टीम का ही एक पार्ट इसमें ले लिया जाता है और उस स्टीम को एयर एश ट्रेवल की डायरेक्शन में हाई प्रेशर पर फ्लो किया जाता है। वो एयर के साथ इस एश के साथ में मिक्स होके और आगे उसको सम्प में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये न्यूमैटिक वाले जैसा ही कुछ सिस्टम है, बट न्यूमैटिक में हमने एयर और ऐश की मिक्सिंग करी थी, यहाँ स्टीम का जेट जो है उसको यूज़ में लिया जाता है। एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहला, क्योंकि मैंने जैसा कहा बॉयलर से निकलने वाली स्टीम ही इसमें यूज़ में ली जाती है, इसकी ऑक्सिलरी ड्राइव की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती, और 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 30 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस में ये सिस्टम ईजीली वर्क कर सकता है। इसकी कैपिटल कॉस्ट यानी इनिशियल कॉस्ट कम होती है और इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट भी कम होती है। डिसएडवांटेजेस हैं, पाइप का वेयरिंग ज़्यादा होता है क्योंकि स्टीम का फ्लो होता है और ऐश अल्टीमेटली थोड़ी सी वेट कंडीशन में आ जाती है, इसलिए वेयरिंग होती है, एब्रेसिव एक्शन हो जाता है, एब्रेसिव एक्शन की वजह से पाइप की वेयरिंग ज़्यादा होती है। देन नॉइजी ऑपरेशन है और लो कैपेसिटी यानी सिर्फ 15 टन प्रति घंटा इसकी कैपेसिटी है, तो कंटिन्यूस ऑपरेशन की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये था ऐश की हैंडलिंग। अब ऐश के साथ जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ और एमिशंस भी होते हैं, जैसे फ्लाई ऐश है, कार्बन ऐश है, स्मोक है, डस्ट है, ऐसे कुछ और पार्टिकल्स भी ऐश के साथ में निकलते हैं जो कि एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में वातावरण में जाते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं और वो वातावरण को प्रभावित करते हैं और दिस इज़ ओमिटेड, यानी कि इसकी लिमिटेशन है कि जो एग्जॉस्ट में जाने वाली ऐश कंटेंट है या फ्लाई ऐश है या अदर पॉइजनस गैसेस हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास में कुछ डस्ट क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं जिससे एग्जॉस्ट गैस की क्लीनिंग की जाती है, सो दैट कि उसमें जो ये भी सारे सिंडर है, स्मोक है, डस्ट है, इनका रिमूवल किया जाता है और इन एमिशंस की लिमिटेशन सिर्फ 0.5 ग्राम्स पर मीटर क्यूब है। तो ऐसे कुछ डस्ट कलेक्टर्स हैं जो कि एग्जॉस्ट गैस की क्लीनिंग के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, सो दैट कि उसमें से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव किए जा सकें। तो ऐसे डस्ट कलेक्टर्स का क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली दो तरह के डस्ट कलेक्टर्स होते हैं, मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स और इलेक्ट्रिकल डस्ट कलेक्टर्स। मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स फिर दो टाइप के हैं, वेट टाइप और ड्राई टाइप। ड्राई टाइप पर अगेन क्लासिफाइड हैं ग्रेविटेशनल सेपरेटर्स एंड साइक्लोन सेपरेटर्स, जबकि इलेक्ट्रिकल डस्ट में रॉड टाइप या प्लेट टाइप के डस्ट कलेक्टर्स होते हैं। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर्स में वेट टाइप डस्ट कलेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेट टाइप डस्ट कलेक्टर्स में जो भी स्मोक है, फ्यूम्स है या SO2 है उसको रिमूव करने के लिए उसको वाटर और लाइम के सॉल्यूशन से पास किया जाता है। तो उसमें ये सारे पार्टिकल्स, स्मोक्स हैं, फ्यूम्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स जो भी हैं इनमें से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसको नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है और क्लीन और हल्की गैसेस जो होती हैं वो उसके टॉप से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल सेपरेटर्स जो कि ड्राई टाइप सेपरेटर्स हैं। इसमें तीन तरह के ग्रेविटेशनल फिनोमेना या ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल को काम में लिया गया है। तो इसमें ए, बी और सी तीन फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला वाला में क्या किया है कि जो डक्ट लिया है उसका क्रॉस सेक्शन उसको एनलार्ज कर दिया जाता है, जिससे एकदम से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि एक वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आ रहे थे और जैसे ही सडन क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है वैसे ही वेलोसिटी उसी वक्त वेलोसिटी उसी रेट से डिक्रीज हो जाती है और हैवी पार्टिकल्स जो हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सेकंड जो केस है उसमें हमने उसको वी शेप का बनाया है और उस वी शेप का बनाने का मतलब है कि सडनली फ्लो डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है।
तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ही फ्लो होते रहते हैं, वो सडन चेंज को फॉलो नहीं कर पाते, जबकि लाइट एयर जो है वो उस फ्लो को के साथ उस डायरेक्शन के साथ में बाहर निकल जाती है, हैवी पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो जाते हैं। थर्ड केस में बैफल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये बैफल्स हम कह सकते हैं कि एक तरह का अवरोध प्रकट करते हैं, रुकावट प्रकट करते हैं, रुकावट देते हैं इसके पाथ में। तो जिस तरह से ये जो गैस है, एग्जॉस्ट गैस है, उसको यहाँ पास किया जाएगा और बैफल से टकराकर हैवी पार्टिकल्स जो हैवी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और लाइट एयर जो है वो कंटिन्यू आगे फ्लो होती हैं। तो ये ग्रेविटेशन सेपरेटर्स में तीन ग्रेविटी के फिनोमेना को इम्प्लीमेंट किया जाता है। 50 माइक्रोन से ज़्यादा के साइज़ के लिए ये सूटेबल रहती है। देन सेकेंड टाइप ड्राई में आता है साइक्लोन सेपरेटर। इसमें साइक्लोनिक के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ये फिगर में दिख रहा है गैस इन, यहाँ से गैस जो है वो अंदर आती है जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स हैं। अंदर ये जो साइक्लोन हमने बनाया है ये कॉनिकल एक वेसल बनाया है कॉनिकल शेप का। कॉनिकल शेप होने की वजह से जैसे हाई वेलोसिटी की गैस अंदर एंटर होती है उसमें अंदर आते ही वर्लिंग मोशन प्रोड्यूस होता है। इस वर्लिंग मोशन से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो इस साइक्लोन की दीवार से टकरा कर नीचे धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगते हैं और जो लाइट गैस होती है, फ्लू गैसेस होती है, लाइटर पार्टिकल्स, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर जाकर यहाँ ऊपर एक और सेकेंडरी सेपरेटर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इस सेपरेटर में फिर से साइक्लोनिक इफ़ेक्ट आता है और क्लीन गैस अल्टीमेटली बाहर निकल जाती है। तो इसमें साइक्लोनिक प्रिंसिपल को यूज़ में लेकर लार्ज पार्टिकल्स को बॉटम में सेटल कर दिया जाता है। एडवांटेजेस हैं कि रग्ड इन कंस्ट्रक्शन है तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, इसकी एफिशिएंसी लोड के साथ में इंक्रीज होती है और बिगर साइज़ के पार्टिकल्स को इसमें ईजीली रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं, इट रिक्वायर्स मोर पावर, ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे कुछ डस्ट और एश पार्टिकल्स जो कि स्टिल एयर में भी सस्पेंशन यानी हवा में रहते हैं उनको यहाँ रिमूव नहीं किया जा सकता, और जैसे जैसे डस्ट की फाइननेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। और इसी में जो इलेक्ट्रिकल टाइप का डस्ट कलेक्टर्स है उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की ये संरचना है जो कि दिखाई दे रही है। तो मेनली इसमें बेसिक एलिमेंट्स कहें तो इसमें चार बेसिक एलिमेंट्स हैं। पहला हाई वोल्टेज का सोर्स होता है इसमें, देन हमारे पास में दो आयोनाइजिंग और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं। देन इसमें डस्ट रिमूवल मैकेनिज्म होती है और एक कंप्लीट बाहर इसकी आउटर शेल होती है जिसमें ये सारे ही एलिमेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं। तो इसमें इस तरह के प्रेसिपिटेटर में यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स के सेट होते हैं, एक जिसको हमने एमिटिंग इलेक्ट्रोड का है और दूसरा जिसको हमने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का है। तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रोड दिख रहा है एमिटिंग इलेक्ट्रोड और बाहर की तरफ जो है दैट इज़ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हाई वोल्टेज से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तैयार किया जाता है और इस फील्ड की वजह से जो डर्ट गैस अंदर आती है इसका आयोनाइजेशन होता है, इसके पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं और अकॉर्डिंगली ये ऑपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए इनके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसको फिर बाद में शेक करके, कंप्लीट प्रेसिपिटेटर को शेक करके और हैवी पार्टिकल्स जो कि कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर लगे हुए थे उनको शेक करके निकाल लिया जाता है, मैकेनिकली उनको हटा दिया जाता है। तो हाई वोल्टेज पोटेंशियल इसमें रखा जाता है, तकरीबन 30,000 से 60,000 वोल्ट का इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज रखा जाता है सो दैट कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि 0.01 से लेकर 1 माइक्रोन तक के स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स इसमें रिमूव किए जा सकते हैं
और हाईली डस्ट लेडन गैस जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट है, तकरीबन 100 ग्राम पर मीटर क्यूब तक के लिए इसको यूज़ में कर सक ले सकते हैं, और इसकी एफिशिएंसी 99.5% रहती है। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत कम है, ऑपरेशन इजी हैं, एंड जो डस्ट का कलेक्शन है वो ड्राई फॉर्म में होता है, और उसको रिमूव करने के लिए हम ड्राई या वेट की कोई भी सिस्टम यूज़ में ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके हैं, इसमें लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल कॉस्ट हाई होती है, और जैसे जैसे हाई फ्लो वेलोसिटी होती है वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी कम होती जाती हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी मेजर्स इसमें उनकी रिक्वायरमेंट रहती हैं। तो ये सब कुछ था डस्ट का रिमूवल, जो कि डस्ट मेनली फ्लू गैसेस के साथ में एटमॉस्फेयर में जाने वाली गैस है, उसके साथ में आने वाले डस्ट पार्टिकल्स जो कि काफ़ी माइन्यूट होते हैं, या फ्लाई ऐश जो है उसके रिमूवल के लिए ये डिफरेंट प्रोसेस थे। थैंक यू।